सो जैसा कि आप सबको पता है कि ये महीना एंड होने को है और साथ ही ये साल भी, और लास्ट में हमारे पास बचे हैं सिर्फ ये 50 रुपए, और मेरा खाने को मन कर रहा है स्ट्रीट फूड। तो आज एज अ चैलेंज हम इस 50 रुपए में 4 different varieties ऑफ स्ट्रीट फूड खाने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। सो मैं प्रद्युमन आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फूडी में आपका स्वागत करता हूं, और हम हैं मौर्य लोक में इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। मजे की बात ये है, भले ही ये फूड हब हो बट ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस है, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या मैं इस 50 रुपये में 4 varieties ऑफ स्ट्रीट फूड खा सकता हूँ या नहीं। तो चलिए, अभी हम खाने वाले हैं चिल्ला, तो आइए उसका प्राइस जानते हैं कि क्या पड़ रहा है उसका प्राइस। भैया चिल्ले के दिखे 30 और 40, यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है, मतलब ये हमारे बजट से बाहर है, तो कैंसिल प्लान, कुछ और ट्राई करते हैं। अभी हम चलते हैं बिहार का सिग्नेचर, बिहार की जो आन बान और शान है, लिट्टी चोखा खाने, और देखते हैं कि क्या वो हमारे बजट में आता है या नहीं। देखिए हमारे पास पूजा लिट्टी कॉर्नर, उसके बाद कोई आर के लिट्टी करके 2 कार्ट है, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ हमारे बजट में मिल जाएगा। भैया कैसे खिला लिट्टी, कैसे खिला लिट्टी? 25 रुपया। थोड़ा भैया कैसे खिला लिट्टी? 25 का। एक्चुअली हम YouTube के लिए थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं, तो 20 का अगर आप प्लेट कर देते तो। भैया एक्चुअली YouTube के लिए चैलेंज कर रहे हैं, तो मेरे पास बजट 50 रुपये ही है, हमको उसमें 4 different varieties ऑफ फूड्स खाने हैं, स्ट्रीट फूड्स खाने हैं, तो क्या 20 रुपये में हो जाएगा? भैया हो जाएगा? हाँ तो भैया मान गए हैं, थैंक यू भैया। और अभी हम लिट्टी चोखा खाते हैं, ये देखिए आर के लिट्टी, और अभी हम लिट्टी चोखा खा के आपको बताते हैं टेस्ट वाइज कैसा है। भैया लगाइए, ये घी में डुबा रहे हैं मस्त वाला। एक जगह थैंक यू। तो देखिए ये जो लिट्टी है वो पूरा घी में, पूरी तरीके से घी में डुबाई हुई है, और ये जो चटनी इन्होंने दिया है बैगन का चटनी है, और इसको भी टेस्ट खाते हैं क्या सही लग रहा है यार, टेम्पटिंग काफ़ी दिख रहा है। और ये बस मुझे 20 रुपये में मिला है, जो कि यहाँ का दाम है वो 25 रुपये, मतलब 5 रुपये मैंने बार्गेनिंग करवा लिया। Here we go! बहुत अच्छा यार, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट लग रहा है। ये 20 रुपये में दिया है भैया ने मुझे, मैं मान नहीं सकता कि मौर्य लोक में मैंने 5 रुपये की बार्गेनिंग करवाई है। मैं इसे फिनिश करता हूँ और फिर आगे अभी देखते हैं। अभी हमारे पास 30 रुपये और बचे हैं, उसमें से हमें 3 चीज़ें खानी है, 3 varieties। और लिट्टी चोखा वाले भैया तो मान गए थे 20 रुपये में, और बिलीव मी लिट्टी चोखा बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था, बहुत अच्छा लगा खा के। अभी हम नेक्स्ट मोमोज खाने का मन कर रहा है मेरा, और अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे मोमोज के लगे हुए, तो अभी कुछ मोमोज ट्राई करते हैं। बजट 30 रुपये बस बचे हैं, उसमें मुझे 3 different varieties ऑफ स्ट्रीट फूड खानी है। 20 रुपये मैंने ऑलरेडी लिट्टी चोखे में लगा दिए, अभी देखते हैं कि क्या हम मोमोज खाने में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। भैया मोमोज का क्या प्राइस पड़ रहा है? चिकन मोमोज का क्या पड़ रहा है? 60 फुल हाफ पीस। और वेज का? 40 फुल 20 हाफ। लग नहीं पा रहा है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, मेरा वैसे भी मन कर रहा है चिकन खाने का। थैंक यू भैया, सॉरी। तो वहाँ पे तो हमारी दाल नहीं गली, बट यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मोमोज वाला कार्ट है, यहाँ पे काफ़ी हद तक भीड़ है, मतलब इनका मोमोज में कुछ तो बात होगा। तो चलिए अभी इनसे प्राइस पूछते हैं, मतलब खाते कोशिश करते हैं बार्गेनिंग करने की।
भाई कैसे पड़ रहा है मोमोज, क्या है मोमोज का प्राइस? 30 रुपये प्लेट। हाँ, चिकन 50 और वेज हाफ? वेज हाफ 15। वेज हाफ 15, 10 में दे सकते हो। अरे यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे भाई, सुनो ना, दे सकते हो 10 का हाफ वेज। हाँ चलो, ये बच्चा बहुत ही स्वीट है और ये मान गया है 10 रुपये में देने को। चलिए, हमारे 30 रुपये हो जाएंगे यहाँ पे ख़त्म और फिर बचेंगे 20 रुपये, उसमें हमें दो वैराइटीज़ और खाने हैं। बट अभी हम वेज मोमोज़ का लुत्फ़ उठाते हैं। वो हमने ले लिया इसे 10 रुपये में वेज मोमोज़ और अभी हम इसको ट्राई करने वाले हैं। बताते कैसा है खाने में। काफ़ी अच्छा से ये स्टीम्ड किया हुआ है। हमने जो मेयोनीज़ है वो खास करके एक्स्ट्रा मांगा है, 10 रुपये में इतना सारा चीज़। बहुत तीखा यार, काफ़ी ज़्यादा। दूसरा बाइट लेते हैं, ये पूरा खाएगा? नहीं दूंगा, एक 85 है बजट। यहाँ हमारे 30 रुपये हो गए ख़त्म, बचता है 20 रुपये। उसमें हमें दो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ स्ट्रीट फूड खाने हैं। तो चलिए मैं इसे फिनिश करता हूँ, फिर आगे मिलते हैं। थैंक्स भाई, ठीक है भाई। और थैंक यू कि 10 रुपये 5 रुपये कम कर दिए हो मौर्य लोक में, थैंक यू सो मच। अभी ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्वीट था लिटरली बताओ तो। और अभी ये जो आप खुद विजिट करना दार्जिलिंग फेमस मोमोज, पुराना दार्जिलिंग फेमस मोमोज, और सच बताओ तो मोमोज थोड़ा तीखा था, बट कोई ना, मेरे बजट में आ गया तो अच्छा था। अभी हमारे पास बस 20 रुपये बचे हैं। 20 रुपये का हमने लिट्टी चोखा खाया, 10 रुपये का हमने वेज मोमोज खाए, अभी हमारे पास 20 रुपये बचे हैं और देखते हैं कि इस 20 रुपये में हम लोग दो डिफरेंट वैराइटीज़ क्या क्या खा सकते हैं। तो जब हमने मोमोज खाया है यहाँ पे और लिट्टी चोखा भी खा लिया है, तो गोलगप्पा को क्यों ही छोड़े भाई। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज गोलगप्पा मौर्य लोक का, जो कि बहुत ही फेमस है, क्या वो हमारे बजट में आता है। याद कीजिएगा, हमारे पास बस 20 रुपये बचे हैं और उसमें हमें दो डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्ट्रीट फूड खाने हैं। तो आइए गोलगप्पा वाले भैया से पूछते हैं क्या है। भैया कैसे गोलगप्पा लगा रहे? 20 का 6 है। ओके, 10 का 4 मिल जाएगा, थोड़ा क्योंकि बजट आज थोड़ा कम है। भैया हो जाएगा, खिलाइए फाइनली। भैया मान गए हैं और अभी मौर्य लोक का फेमस गोलगप्पा खाने वाले हैं हम लोग। बहुत बड़ा साइज, छोटू सा। ये 3 जो कि 10 का 3 है। थैंक यू भैया। सच बताऊं, कुछ ज़्यादा हो गया, बस स्टिल थैंक यू भैया। इनका थोड़ा लॉस लग गया है गोलगप्पा का। ओ फाइनली 3 चीज़ तो हमने खा लिया, 40 रुपये हमारे ख़त्म, बट स्टिल हमारे पास बचे ये गांधी जी वाले 10 रुपये। और अभी हमें एक चीज़ और खानी है। हमने तीखा भी खा लिया, हमने पेट भरने वाला चीज़ भी खा लिया, हमने खट्टा भी खा लिया, अभी थोड़ा डेजर्ट का बारी है। तो चलिए डेजर्ट में देखते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। आसपास मुझे कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, आइसक्रीम दिख रही है जो कि काफ़ी ठंडी लग रही है, तो ठंडा में ठंडा क्या खाना चाहिए भाई। मैं तो खाऊंगा बस चैलेंज कंप्लीट करने के खातिर। तो चलिए आइसक्रीम में देखते हैं कि 10 रुपये वाली आइसक्रीम कौन सी है हमारे लिए, और इसी के साथ ये चैलेंज कंप्लीट होगा या नहीं, क्या हम 10 रुपये वाली आइसक्रीम खा सकते हैं या नहीं। मिलती है तब तो पहले खाएंगे। सो फाइनली एट द एंड अब हम लोग डेजर्ट खाने वाले हैं अपने बचे हुए 10 रुपये से। तो सामने एक कार्ड दिख रहा है क्रीमवेल आइसक्रीम का,
चलिए देखते हैं कि 10 रुपये में कौन सी आइसक्रीम हमें मिलती है। भैया 10 रुपये वाली कौन सी आइसक्रीम है आपके पास? कौन कौन से बताइए ना। वनीला स्ट्रॉबेरी। तो गाइज आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है कमेंट करो नीचे। आप स्ट्रॉबेरी दीजिए भैया। ये चैलेंज हमने कर लिया। सो स्पून बड़ी ठंडी ठंडी आइसक्रीम है यार। अच्छा भाई एक बात बताइए, ठंडा में ठंडा आइसक्रीम खाना चाहिए? ये भी हम नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी आपको क्या, आपका क्या मानना है? हमने सुन तो अपने खुद ही खाते हैं। खाते हैं हाँ? मतलब जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठंडा ठंडे को काटता है। चलिए शुक्रिया भैया। तो अभी अरे वाह, ये तो वनीला और आइसक्रीम दोनों है। मतलब वो यार ये तो कॉम्बो निकला यार। मतलब वनीला स्ट्रॉबेरी दोनों। तो इसको मैं सबसे बहुत ठंडी ठंडी आइसक्रीम है यार, देखो कितनी चमी हुई आइसक्रीम है। अरे यार निकल जाए जल्दी, प्यार से इसको निकाल रहा हूँ। और ये 10 रुपये वाली आइसक्रीम, इसको मैं बच्चे में बचपन में खाया करता था। सो और इसी के साथ ये चैलेंज वीडियो कंप्लीट होती है। यार ये आइसक्रीम उसे पार नहीं हो रही है, मतलब बहुत ठंडी है। देखो कितना सारा बचा हुआ है अभी भी। खैर मैं बोल रहा था कि ये चैलेंज वीडियो एटलीस्ट फिनिश हो गई। हाँ मैं ये फिनिश कर लूँगा, वेस्ट नहीं कर सकते ना। खैर बात तो हो गई। और ये चीज़ आज हमें रियलाइज़ हो गया है कि 50 रुपये के बजट में भी आज के टाइम में सर्वाइव किया जा सकता है। मतलब आप अगर स्ट्रीट फूड खाना चाहो डिफरेंट वराइटीज़ के, अगर आपके पास बार्गेनिंग स्किल्स है तो आप 4 के आप 8 खा सकते हो। नहीं मैं नहीं बोल सकता, 4 खा सकते हो एटलीस्ट। हाँ वो थोड़ा अलग है, बट मुझे तो बहुत लोगों ने, बहुत सारे लोग, लकीली सारे लोग मुझे कोऑपरेटिव मिले और मैंने ये चैलेंज कंप्लीट की। तो अगर आपको ये चैलेंज वीडियो पसंद आया है तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो, शेयर, सब्सक्राइब टू वर्ल्ड ऑफ फूडी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज। और इसी तरह के और भी वीडियोज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो जाके world.o.foodie पे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल। और हाँ विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।